Hello students, myself Mamta Sharma from Sonepat. Today we are going to discuss about exponent and power, part 3 class 9. जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि एक्सपोनेंट होती क्या है और इसे रिलेटेड सम हम कैसे करते हैं, ऐसे ही आज हम कुछ एग्जांपल्स लेके आए हैं। देखें, जैसे कि गिवन है रूट 5 की पावर -3 इंटू में रूट 2 की पावर -3। इसे नेगेटिव रेडिकल्स भी बोलते हैं। मैंने पीछे बताया था कि इसे क्या बोलते हैं, नेगेटिव पावर, नेगेटिव इंटीजर पावर, और इसको हम नेगेटिव रेडिकल्स भी बोलते हैं। यहाँ से इसको रिमूव करना है, रिमूव नेगेटिव साइन विद रेडिकल। आपको पता होगा रूट की वैल्यू जगह जगह पे चेंज होती है। जब हम उस रूट की पावर बनाते हैं तो वो पावर 1/2 बन जाती है। 5 की पावर 1/2 की पावर -3 इंटू में 2 की पावर 1/2 की पावर -3। रूट हटाया, रूट की वैल्यू 1/2 जब हम पावर में लगाते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर -3/2, 2 की पावर -3/2, a की m की n क्या होगा, a की m n। देखो पावर को हम होल बना सकते हैं वो वाली फॉर्मूला लगा के, a की m इंटू b की n इज a b की पावर n। इस फॉर्मूले का यूज करके इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 की -3/2, 5 2 10, 10 की पावर -3/2। अब ये पावर माइनस में है तो क्या हम उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं पावर का, नहीं बेस का, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/10 की पावर 3 की पावर 1/2 में राइट कर सकती हूँ। 1/2 को मैं यहाँ भी राइट कर सकती हूँ, होल्ड भी कर सकती हूँ, ठीक है। 10 की पावर 3 कितना होता है, 1000, 10 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई क्या होगा, 1/1000, 1/2। अब 1/2 नीचे भी है, 1 की 1/2 तो 1 ही होगा, 1000 की 1/2 हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, रूट के अंदर ही 1/2 क्या, रूट पावर के अंदर ही 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर लेंगे जिससे नीचे का रूट हट जाएगा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10, 10 बाय में 4 0 जाएंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2, 10 की 1/2 को हम रूट 10 लिखेंगे और नीचे हो जाएगा 100। 100 का स्क्वायर होता है, उसके ऐसे रूट कैंसिल हो जाएगा जिसे हम लिखेंगे, ठीक है। एक बार फिर चेक कर लीजिए, इसको स्टेटमेंट में गिवन होगा और बोला जाएगा कि रिमूव नेगेटिव साइन एंड रेडिकल्स। अब स्टेटमेंट क्या हमारे पास, ये रूट को जब हम पावर में चेंज कर देते हैं तो रूट की वैल्यू 1/2 होती है, 5 की पावर 1/2 की पावर -3, ऐसे ही 2 की पावर 1/2 की पावर -3। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 की -3/2, 2 की -3/2, और इससे भी क्या लिख सकती हूँ, 10 की -3/2। अब नेगेटिव साइन ऑन पावर, देन वी चेंज इन रेसिप्रोकल, वी टेक इन रेसिप्रोकल, हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, इसको बेस का रेसिप्रोकल, बेस का उल्टा कर देंगे, क्या जाएगा, 1/10। 3 को मैंने अंदर ले लिया, 1/2 को ऊपर, हम यहां भी ले सकते हैं, वो नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। 10 की 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000। अब 1000 का हम स्क्वायर रूट नहीं हटा सकते, अगर यहाँ 10,000 हो जाता तो 100 का स्क्वायर रूट हो जाता, ठीक है। अब हम यहाँ 10,000 करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, अकेला मल्टीप्लाई हम कर नहीं सकते डिनोमिनेटर में, उसके लिए हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमने ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लिया रूट के अंदर ही, ठीक है। अब ऊपर तो
10 का रूट लिखा जाएगा, नीचे ये क्या है 100 × 100, 100 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा 100, दिस इज द आंसर। रिमूव हो गया, नेगेटिव साइन भी रिमूव हो गया और रेडिकल्स भी, ठीक है, रूट टू जो है नीचे नहीं रहना चाहिए। ओके, अगर नीचे रूट टू होता है तो उसको हम रेशनलाइज कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट है रूट 4 की पावर माइनस 7 इंटू में रूट 2 की पावर माइनस 5, माइनस 3 ले लो, कुछ भी ले लो एग्जाम्पल के लिए। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 की 1/2 की माइनस 7, ठीक है, इसको लिख सकती है 2 की 1/2 की माइनस 3, ठीक है। 4 को मैं लिख क्या लिख सकती हूँ, 2 की 1/2 की माइनस 7, और यहाँ पे 2 की 1/2 माइनस 3, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की माइनस 7, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की माइनस 3/2, ठीक है। क्या करते हैं, पावर पॉजिटिव बनाने के लिए बेस का रेसिप्रोकल, तो 1/2 की 7 इंटू में 2 की 3/2, ठीक है, 1/2 की 7 तो ठीक है स्क्वायर रूट में नहीं है, ओके। अब 2 की 3/2, इसका हमने क्या करना है, 2 की 3/2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 की 7 इंटू में 2 की 3 की 1/2, ठीक है, 2 की 3 कितना होता है 8, ठीक है, रूट 8 से मल्टीप्लाई रूट 8 से डिवाइड कर लो आप, 1/2 की 7, ये रूट 8 है हमारा, 2 की 3 8, रूट 8 से ये हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया, ये नीचे 8 डिवाइड किया, अकेले एक जगह हम कर नहीं सकते, रूट 8 इंटू रूट 8 क्या होता है 8, 8 होता 2 की 3, 2 की 7 प्लस 2 की 3 2 की 10, रूट 8 डिवाइड में 2 की 10 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर चेक कर लो आप, क्या रूट 8 को हम सोल्व भी कर सकते हैं, 2 रूट 2 और 2 से एक पावर कैंसिल भी कर सकते हैं, इसका आंसर ये भी मिल सकता है हमें रूट 2 बाय में 2 की 9, ठीक है। एक बार फिर चेक कीजिए, 2 की माइनस 7 लिख सकते हैं, 2 की रूट की 1/2 माइनस 7, ये कैंसिल होगा, 2 की माइनस 7 है, 2 की 7 हो जाएगा, ये तो ठीक है। यहाँ देखें 2 की 1/2 की माइनस 3 है, माइनस 3/2 है तो नीचे ले आए, 2 की 3 की 1/2 कर दिया, ठीक है, 2 की 3 की 1/2 को रूट 8 राइट कर लिया, रेशनलाइज कर दिया, रूट 8 इंटू रूट 8, रूट 8 बाय 2 की 10 होगा, ये जो है रूट 8 का स्क्वायर, किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर रूट का स्क्वायर करते हैं तो वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है 8। अब ऊपर वाले रूट 8 को देखो, रूट 8 के फैक्टर बना के देखो आप, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, उसको मैं क्या लिख सकते हैं 2√2, 1 2 से नीचे एक पावर कैंसिल कर दी मैंने, चुकी है, ओके। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट्स, अगर वीडियो को अब तक आपने शेयर नहीं किया है शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को प्रॉफिट मिले, और सब्सक्राइब करें। रूट 294 माइनस 5
root 3 by 2 plus 2 5 2 2 5 2 minus 3 root 1 by 6. So, solve it, simplify it. सबसे पहले जो भी लॉन्ग बिगेस्ट नंबर है इनके प्राइम फैक्टर बना दो और जिनके नीचे रूट में स्टेटमेंट है उनको रेशनलाइज कर लो. ओके, रूट 294 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 2 जा 2 1 जा 2 4 जा 2 7 जा 3 की 3 4 जा 3 9 जा 7 7 जा. बाहर हम उस नंबर को लेंगे जो 2200 का दो बार आया हुआ था. ठीक है, 7 है बाहर. क्यों लेंगे उस नंबर को? क्योंकि जो नंबर हम बाहर लेते हैं वही रूट की वैल्यू हो जाती है. यहाँ रूट की वैल्यू देखिए, जब हम रूट को पावर में बनाते हैं तो 1/2 होता है, जब हम रूट के फैक्टर बनाते हैं तो जो रूट के बाहर वैल्यू होती है वही रूट की चेंज हो जाती है. 7 7 जा 49 6 जा 294 होगा, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 7 root 6. अब सेकंड पे आए, सेकंड है हमारा 5 root 3 बाय में रूट 2, 3/2 और पूरे पे रूट है. इसका मतलब है ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है. रूट 2 से रेशनलाइज, ऊपर हो गया रूट 3 इंटू रूट 2 रूट 6, नीचे 2, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 5 root 6 by 2. 2 5 2 के प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 6 जा 12 2 3 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 7 जा. देखो 6 है 2 6 2 टाइम्स आया ना, तो 6 root 7 लिख सकते हैं इसको. -3 ऐसे ही रूट 6 का रेशनलाइज करो, 3 root 6 by 6 हो जाएगा, 3 root 6 by 6. अब 6 root 7 को तो अलग सही रहने दो, 6 root 7. और जो रूट 6 की स्टेटमेंट हमारी तीन, उनमें 6 को एलसीएम ले लो. 6 ही एलसीएम आएगा इनके बीच में, 1 2 और 6 के बीच में 6 एलसीएम आएगा. 6 एलसीएम लिया, क्या होता है नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड, 6 6 7 जा 42, 3 5 जा 15, 3 root 6 प्लस 6 root 7, 15 और 3 18, 24 24 और 18 42, root 6 by 6, 4 root 6 आ जाएगा. आंसर हुआ हमारा 4 root 6 plus 6 root 7. क्या किया हमने? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इनके फैक्टर बनाए. ठीक है, जो नंबर 2 times आएगा उसको हम बाहर ले लेंगे, क्योंकि जो नंबर हम बाहर लेंगे वही रूट की वैल्यू हो जाती है, इसलिए 2 times जाता है. अब अगर नीचे रूट है, स्क्वेयर रूट है, तो उसको हटाएंगे बाय रेशनलाइजिंग मेथड. रेशनलाइजिंग मेथड क्या होता है? उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, उसी से डिवाइड करो और नीचे से रूट हट जाएगा ऐसे करने से. ऐसे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको रेशनलाइज से, फिर 6 root 7 तो अलग रखा. क्यों रखा? क्योंकि ये हमारे रूट 6 के अंदर थे, ये रूट 7 था. रूट 6 वालों को हमने सॉल्व किया, 6 एलसीएम लेके जो आंसर आया वो आंसर होगा. आगे है एक सम, स्टूडेंट्स इस चैप्टर को बिल्कुल ध्यान से देखो. इस चैप्टर से रिलेटेड आगे कंपटीशन टेस्ट में सम पक्के आते हैं, जिससे हमें 2-3 नंबर मिल जाएंगे. किसी भी लेवल का कंपटीशन टेस्ट हो, इस तरह के सम वहां मिलते हैं हमें.
देखो हमें दे रखा है 2 की 5x डिवाइड में 2 की x इज इक्वल 5√2 70। फाइंड एक्स 2 की 5x डिवाइड 2 की x इज इक्वल 5√2 70। देखो एक तो हम 5 को ऐसे लिखें, ये भी डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एक हम 5 को ऐसे लिखें, इसमें फर्क है। ये जो 5 है इसके मल्टीप्लाई में है और ये जो 5 है ये उसका 1/5 पावर है। ठीक है, 1/5 रूट नहीं है ये, इसको हम ऐसे लिखेंगे इनटू में 1/5। इनमें डिफरेंस जाने, जो थोड़ा हटके है वो इनटू में होता है, जो रूट के ऊपर लिखा होता है वो 1/5 करके आएगा जो भी नंबर होगा। ठीक है, सोल्व करो 2 की 5x इंटू 2 की x 4x हो जाएगा। डिवाइड में बेस सेम है, पावर माइनस हो जाती है। यहाँ पे भी हमने सोल्व किया 2 की 4 हो जाएगा, बेस सेम है, पावर इक्वल हो जाएंगी और यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।